अगर आप इस साल इंडिया में एक इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी इंडिया में 7 अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होने वाली हैं। ये 7ों इलेक्ट्रिक कार अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। ये सभी जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं, तो आई थिंक आपको इन कार्स के लिए वेट करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको इन टॉप 7 EVs के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। पहली कार जो लॉन्च होगी वो है BYD Atto 3। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स चाइना की कंपनी है। इन्होंने लास्ट ईयर अपनी E6 कार इंडिया में लॉन्च की थी, जो कि पहले सिर्फ फ्लीट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब इसे जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। अब भले ही ये चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इनके प्रोडक्ट में दम है। इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ब्लेड बैटरी इतनी अच्छी है कि टेस्ला जैसी कंपनी भी इनकी ब्लेड बैटरी को अपने इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ करने जा रही है। तो यहाँ पर इन कार्स की क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी है। खैर, बात करते हैं BYD Atto 3 कार की। तो इसे इंडिया में टेस्टिंग के दौरान ही स्पॉट कर लिया गया है। इसका लॉन्च होना कंफर्म है। ये कार PMSM मोटर के साथ आएगी। यहाँ पर लगभग हमें 201 BHP की पावर मिलती है और 310 Nm इसमें टॉर्क है। 0-100 की स्पीड ये कार 7.3 सेकेंड में अचीव कर सकती है। यहाँ पर हमें 60.48 kWh की लिथियम आयन ब्लेड बैटरी देखने को मिलती है। ये कार सिंगल चार्ज में अप टू 420 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकती है। ये कार आज के ज़माने के सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है। ये कार 11 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। हो सकता है आपके इस वीडियो को देखने तक ये कार लॉन्च हो चुकी हो। ये कार लगभग 32-35 लाख रुपीज़ की प्राइस में लॉन्च होगी और ये MG ZS EV और Hyundai Kona को टक्कर देने वाली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कार काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। नंबर 6 पर यहाँ पर है Strom R3। ये मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी Strom मोटर्स की तरफ से आती है। वैसे तो ये कार अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण काफ़ी हद तक डिले हो गई। ये एक स्मॉल साइज की इलेक्ट्रिक कार है जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में 2 व्हील्स हैं और रियर साइड में एक सिंगल व्हील है। इस कार में हमें 15 kW का मोटर मिलेगा, जो कि लगभग 80 km की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। ये कार मल्टीपल रेंज वेरिएंट के साथ आने वाली है। जहां पर बेस मॉडल में हमें 120 km की रेंज मिलेगी, वहीं टॉप वेरिएंट में 200 km की रेंज मिलेगी। ये कार लगभग 3 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी। इस कार को मेनली हैवी ट्रैफिक वाली सिटीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। करीब 4.5 से 5 लाख रुपये इस कार की प्राइस होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कार पहले ही काफ़ी डिले हो गई है। जुलाई मंथ में इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि दिसंबर तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। हाँ, लेकिन इसकी बुकिंग अभी भी स्टार्ट है। आप चाहें तो इस कार को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है MG E200। MG की ZS EV पहले से ही इंडियन मार्केट में सेल हो रही है। वो करीब लगभग 24-25 लाख रुपए की कार है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए जल्द ही MG इंडिया में अपनी E200 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है, जो कि अगेन एक 2 सीटर कार है। यहाँ पर रियर साइड में हमें अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिलता है। एटलीस्ट यहाँ पर एक 2-व्हीलर के कंपेरिजन में आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। तो इस कार में हमें लगभग 20 kW का मोटर मिलेगा, जो कि करीब 100 km की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। कंपनी का कहना है कि ये कार 0-100 की स्पीड 15 सेकेंड में अचीव कर सकती है। यहाँ पर हमें 24 kWh की लिथियम आयन बैटरी मिलने वाली है, जो कि लगभग 5 आवर्स में चार्ज हो जाएगी। वहीं पर फास्ट चार्जर से ये कार 60 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगी और सिंगल चार्ज में ये कार अप टू 210 km का रेंज देगी। इसकी लॉन्चिंग जल्दी होगी। एग्जैक्टली कब होगी ये कहना मुश्किल है। इसे इंडिया में तो टेस्टिंग के दौरान स्पॉट कर लिया गया है और इसकी प्राइसिंग के बारे में भी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। ये कार हमारी लिस्ट में एक ऐसी कार है जो कि लॉन्च होने में थोड़ा लंबा टाइम ले सकती है। बाकी अगर आप लंबा वेट नहीं कर सकते तो हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 4th नंबर पर। 4th नंबर पर है Hyundai Ioniq 5। अगर आपको पता होगा तो इंडिया में कुछ टाइम पहले किया EV6 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है, तो बस Hyundai Ioniq 5 उसका जुड़वा भाई है। दोनों कार सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। किया EV6 को एज अ CBU यूनिट इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है। Ioniq 5 को भी कम्प्लीटली इंपोर्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के पर्पज से इसके कुछ यूनिट्स को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था और टेस्टिंग के दौरान इसे स्पॉट भी किया गया था। जहाँ तक चांसेस हैं, इसका एन वेरिएंट या फिर ड्यूल मोटर वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होगा, जो कि 0-100 की स्पीड 5.2 सेकेंड में अचीव कर सकता है। 185 किलोमीटर यहाँ पर टॉप स्पीड है। 72.6 kWh की लिथियम आयन बैटरी के साथ ये कार 481 किलोमीटर का रेंज देगी। ये कार अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 10-80% चार्ज हो सकती है सिर्फ 18 मिनट में। एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये कार 5 मिनट की चार्जिंग में 100 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करेगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कार को एज अ CBU यूनिट इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, तो इसे लॉन्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस कंपनी राइट टाइम का वेट कर रही है। उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ द ईयर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए और इसकी प्राइसिंग 60-65 लाख रुपीज एक्सपेक्टेड है। इन केस अगर ये कार इंडिया में बनती तो इसकी प्राइसिंग हार्डली 30-35 लाख रुपीज होती। इंपोर्ट ड्यूटी के कारण इसकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ गई है। बाकी हाँ, ये कार दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें किसी भी फीचर की कमी नहीं है। आज के ज़माने के इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। तीसरे नंबर पर है टाटा टियागो ईवी। टाटा पिछले कुछ हफ्तों से इसे टीज कर रही थी और फॉर्चुनेटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब टाटा टियागो ईवी कार भी लॉन्च हो चुकी है। ये कार 5 डिफरेंट वेरियंट्स में आई है और ये 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आई है। एक तो 19.2 किलो वाट आवर की बैटरी के साथ ये 250 किलोमीटर का रेंज देती है, वहीं 24 किलो वाट आवर बैटरी के साथ ये 315 किलोमीटर का रेंज देती है। यहाँ पर मोटर पावर भी डिफरेंट है। इसके जो दो बेस वेरिएंट है XC और XT, उसमें ये कार 0-60 की स्पीड अचीव कर सकती है 6.2 सेकंड में, वहीं इसके टॉप वेरियंट पर ये 0-60 की स्पीड अचीव कर सकती है 5.7 सेकंड्स में। ये कार लगभग 6-8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि ये DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हाँ, इसमें आज के ज़माने के सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ABS है विद EBD, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, फीचर्स की यहाँ पर कमी नहीं है। टियागो ईवी की स्टार्टिंग प्राइस है 8.49 लाख रुपीज इसके 250 किलोमीटर रेंज वाले वेरियंट के लिए, वहीं इसके टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग है 11.79 लाख रुपीस। सेकंड नंबर पर भी है टाटा की पंच ईवी। ये भी ज़िप्रॉन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है। बस कुछ दिनों पहले टाटा ने पंच का एक कैमो एडिशन टेस्ट किया था। अपने टीजर में टाटा ने पंच के इलेक्ट्रिक वर्जन होने का हिंट दिया था। अगर आप टीजर में गौर करेंगे तो यहाँ पर कार में ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है, जिससे कि साफ पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। अब इसके स्पेक्स के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, बाय एंड ऑफ द ईयर ये कार भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग लगभग 10-12 लाख रुपए है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। ये है हमारी लिस्ट की सबसे बेस्ट कार, द महिंद्रा XUV 400। महिंद्रा जो कि अपनी SUVs के कारण फेमस है, XUV 400 इनकी पहली इलेक्ट्रिक SUV कार होने वाली है इंडियन मार्केट में। ये कार जब लॉन्च होगी तो ह्यूंडई कोना, MG ZS EV और स्पेशली नेक्सॉन EV को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा कम्पेटिटिव प्राइस के साथ आने वाली है। फटाफट मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूँ। यहाँ पर हमें एक PMSM मोटर मिलेगा जो कि लगभग 149.5 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा। 310 न्यूटन मीटर यहाँ पर टॉर्क होने वाला है। ये कार 0-100 की स्पीड 8.3 सेकेंड में अचीव कर सकती है और 150 किलोमीटर यहाँ पर टॉप स्पीड होने वाली है। यहाँ पर हमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, फन, फास्ट एंड फियरलेस। यहाँ पर हमें 39.5 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि IP67 रेटिंग के साथ आएगी। ये कार लगभग 456 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करेगी। अपने प्राइस सेगमेंट में ये कार सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी। इसकी बैटरी 7.2 किलो वाट आवर के AC चार्जर से लगभग 6 आवर्स एंड 30 मिनट में फुल चार्ज होगी। वहीं ये 50 किलो वाट के DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी और लगभग 50 मिनट में ही 80% चार्ज हो जाएगी। अक्टूबर या नवंबर में इसका लॉन्चिंग इवेंट है। दिसंबर 23 से इसकी टेस्ट राइड स्टार्ट होने वाली है और जनवरी 23 के एंड से पहले इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। XUV 400 EV की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 15-20 लाख रुपए के बीच। अगर ये 15 लाख की कीमत पे आती है तो ये नेक्सॉन EV से भी ज़्यादा सेल होगी। अभी नेक्सॉन EV इंडिया की मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन लगता है XUV 400 उसकी ये पोजीशन छीनने आ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि महिंद्रा का जो इनग्लो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी एडवांस है। इनग्लो प्लेटफॉर्म के जरिए महिंद्रा सस्ते कीमत पर अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये वीडियो ज़रूर देखो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको इस लिस्ट में कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका इनमें से किसी भी इलेक्ट्रिक कार्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।